स्टूडेंट्स ऑफ एट्थ क्लास, ये आपके ज्योग्राफी के सेकंड चैप्टर का आगे का क्वेश्चन है, जो है लैंडस्लाइड। लैंडस्लाइड क्या होता है? क्या है लैंडस्लाइड? हम लैंडस्लाइड सुनते ही हमारे माइंड में क्या आता है? लैंड यानी जमीन और स्लाइड यानी खिसकना, है ना। जमीन के एक बड़े टुकड़े का पहाड़ से फिसल जाना, इसको कहते हैं लैंडस्लाइड। कई बार क्या होता है, बड़े बड़े पत्थर होते हैं या जो सॉइल होती है वो क्या होता है, खिसकती है तो वो नीचे की ओर आ जाती है, और वो बहुत सारी चीज़ों की वजह से होती है। जैसे कंटिन्यूस बहुत दिन तक बारिश हो रही है तो क्या होगा, ज़मीन एकदम गीली हो जाएगी, मिट्टी एकदम गीली हो जाएगी और उस वजह से वो नीचे खिसक जाएगी। देखिए मैंने आपके लिए डायग्राम ड्रॉ किया है, ये आपका पहाड़ है, ठीक है, और ये देखो यहाँ से ये आपका स्लोप नीचे की ओर गिर रहा है पहाड़ से, तो ये इसको कहते हैं लैंडस्लाइड, यानी जमीन का टुकड़ा पहाड़ से नीचे की ओर खिसकना। क्या क्या फैक्टर्स ऐसे हैं जो रेस्पॉन्सिबल है लैंडस्लाइड के लिए? वो है अ लॉन्ग स्पेल ऑफ रेनफॉल कैन कॉज हैवी लैंडस्लाइड। लंबे समय तक रेनफॉल होना, उसकी वजह से लैंडस्लाइड होता है। दूसरा, इरोजन कॉज बाय रिवर्स और ओशियन वेव्स। बहुत बार क्या होता है, रिवर और ओशियन की वेव्स यानी बड़ी बड़ी लहरें आती है जो बार बार जाके पहाड़ से टकराती है, तो उसकी वजह से लैंडस्लाइड होता है। तीसरा है, एरिया प्रोन टू अर्थक्वेक फ्लड एंड वॉल्केनिक इरप्शन। मतलब कई बार अर्थक्वेक फ्लड और वॉल्केनिक इरप्शन की वजह से भी लैंडस्लाइड होता है। जैसे भूकंप आया, भूकंप आएगा तो क्या होगा, धरती एकदम वाइब्रेट होगी, पूरी एकदम यूँ हिल जाएगी, हिलेगी तो उसकी वजह से लैंडस्लाइड हो जाएगा। फ्लड, बाढ़ आने की वजह से क्या होगा, पानी जा जाके टकराएगा पहाड़ से तो लैंडस्लाइड हो जाएगा। वॉल्केनिक इरप्शन की वजह से भी लैंडस्लाइड हो जाएगा। लॉस और एब्सेंस ऑफ वेजिटेटिव ग्रोथ एंड सॉइल न्यूट्रिएंट्स। जब पेड़ पौधे काटेंगे अपन तो क्या होगा, सॉइल न्यूट्रिएंट्स खत्म हो जाएंगे, सॉइल कमजोर हो जाएगी, उसकी वजह से लैंडस्लाइड आ जाएगा। फिफ्थ है आपका ह्यूमन फैक्टर सच एज कंस्ट्रक्शन, डिफॉरेस्टेशन, ब्लास्टिंग फॉर माइंस, वाइब्रेशंस कॉज्ड बाय हैवी मशीनरी एक्सेट्रा। कई बार क्या होता है, कंस्ट्रक्शंस करते हैं उसकी वजह से लैंडस्लाइड आ जाते हैं। डिफॉरेस्टेशन यानी पेड़ों को काटना, जब पेड़ कट जाएंगे तो क्या होगा, पेड़ कट जाएंगे तो जो सॉइल है वो लूज हो जाएगी, एकदम ढीली हो जाएगी, तो उसकी वजह से वो लैंडस्लाइड आ जाएगा। पेड़ क्या करते हैं, सॉइल को पकड़ के रखते हैं, वो एकदम टाइट कर देते हैं उनको सॉइल को, तो उसकी वजह से नहीं आता है लैंडस्लाइड, पर जैसे ही हम पेड़ पौधे काट देंगे तो लैंडस्लाइड हो जाएगी। ब्लास्टिंग फॉर माइंस, माइंस के अंदर ब्लास्टिंग होने के कारण भी लैंडस्लाइड आता है, और हैवी मशीनरी की वजह से वाइब्रेशन जो होता है पहाड़ों के आसपास उसकी वजह से भी लैंडस्लाइड आ जाता है। और ये है लैंडस्लाइड्स के वेरियस अफेक्ट्स। देयर आर वेरियस अफेक्ट्स ऑफ लैंडस्लाइड्स आर डैमेज ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी ऑन लार्ज स्केल। जब देखिए आप इस डायग्राम के अंदर, ये देखिए पहाड़ यहाँ से नीचे गिर रहा है, तो ये क्या लैंडस्लाइड हो रहा है। इसमें क्या होता है कि अगर जैसे यहाँ पे घर बसे हुए हैं किसी के, तो ये पूरी बस्ती क्या होती है, या ये इतने भी घर है ये सारे डैमेज हो जाते हैं, और लोग होते हैं तो उनकी भी सबकी जान चली जाती है, ये सारा नीचे गिर जाता है, ठीक है, और प्रॉपर्टी भी डैमेज होती है। फिर रोड एंड रेलवे कम्युनिकेशन इज डिस्ट्रप्टेड एंड लैंड एरिया आइसोलेटेड। जैसे ये देखिए, ये मैंने आपके लिए रोड बनाई है, ठीक है, तो ये यहाँ से आपके नीचे गिर गया तो ये रोड क्या होगी, ब्लॉक होगी, है ना, तो एक जगह से दूसरी जगह में जाने में क्या हो गया, प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है। फिर तीसरा है, पावर ट्रांसमिशन एंड टेलीकॉम सिस्टम इज डिस्ट्रप्टेड, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि जैसे ही गिरता है, लैंड स्लोप होता है, तो जितने भी इलेक्ट्रिसिटी पोल्स होते हैं लगे हुए, या फिर टेलीकॉम पोल्स होते हैं, ये सब क्या होते हैं, टूट जाते हैं, तार गिर जाते हैं, इनकी वजह से क्या होता है, पावर ट्रांसमिशन में प्रॉब्लम आती है और टेलीकॉम सिस्टम में प्रॉब्लम आती है, वो सब टूट जाते हैं। ये सब किसकी वजह से होता है, लैंडस्लाइड की वजह से।